आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में तुलसी माता की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता जी की पूजा पाठ करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहु सीधा साधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके घर कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह व्यविचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने घर में 6 लड़कियां तो है, उनकी भी अपन को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7ों लड़कियों की शादी एक साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चलो बेटा, साथ में घर चलो। उनको वह अपने घर लेकर आ गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7ों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से सभी बेटियों की शादी कर दी और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी सुखपूर्वक अपने घर में रहने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो हे तुलसी माता, जैसा आपने उस ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता रानी की जय हो।